मैं आज एक शहीद का वालद होने की हैसियत से कौम से ये अर्ज करूँगा कि जो छोटी सी बात को बहुत बड़ा हवा बना के हमारी फ़ौज के बारे में कहा जाता है, मैं कुछ थोड़ा सा आपको अपने तजर्बे के ऊपर बताना चाहूँगा। मैंने 30 साल फ़ौज की नौकरी की है और ये जो मेहरान PNS मेहरान पे जो वाकया हुआ है, और कई लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इतने बंदे थे और ये हो गया वो हो गया, मैं थोड़ा सा आपको इस हथियारों से पहले तारफ करता हूँ। RPG-7 एक छोटा सा हथियार है और बहुत हल्का है। फ़ौज में हम इसको टैंक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। इसका रेंज, इसके जो है साइट जिसको आप टेलीस्कोप कह सकते हैं, इसके ऊपर 400 गज़ रेंज इसका जो है वो काटा हुआ है। 200 गज़ पे हम जब फायर करते हैं तो वो एक पक्के बैंकर के ऊपर, जब पक्के बैंकर को बर्बाद करना हो तो 200 गज़ से अगर फायर करो तो वो पूरे बैंकर को उड़ा देता है। और टैंक के ख़िलाफ़ 300 गज़ से फायर करना होता है और जवानों के ख़िलाफ़ 400 गज़ से, कारगर फायर है इसका। अब अगर किसी भी दहशतगर्द ग्रुप ने, जैसे कि अभी मीडिया वालों ने हमें वो पूरा नक्शा दिखाया है उस जो है देवी के बेस का, तो आप किसी जगह से 400 गज़ बाहर खड़े होके किसी जगह से अगर RPG-6 का फायर गिराएं, और RPG-6 का फायर जो है जब आप गिरा देते हैं तो उसका इतना आवाज़ है कि एक संतरी जो वहाँ खड़ा हुआ है वो जब अंदर उसके आके गोला लगेगा तो ज़ाहिर है कि वो उस आग को देख के, उस शोर को देख के तो अंदर की तरफ भागेगा और अपने अंदर वाले लोगों को उठाएगा। जब उसने अंदर वाले लोगों को उठाने के लिए वो भागेगा, जैसे कि मीडिया वाले में बताते भी हैं कि वो गार्ड रूम में आके उसने टेलीफोन किया, तो जो आपने गेट देखा है पुल के पास, उसमें रास्ता है, वहाँ से 3-4 दहशतगर्दों को अंदर आने के लिए कोई रुकावट नहीं है। रुकावट ये थी कि दहशतगर्द अंदर आ गए और रनवे की तरफ ही छुपे रहे, वो लीविंग जो एरिया है उस तरफ तक नहीं आ सके। ये और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट यासर की टीम थी, जब इस गार्ड ने उनको स्टार्ट किया, तैयार किया, तो ये आके इन्होंने जहाज़ों को निकालना शुरू किया। तो आप यकीन कर लें कि ये कोई इतना रास्ता इनको ऐसा खुला नहीं मिला हुआ था। अगर खुला रास्ता मिला हुआ था तो ये जहाज़ों के पास होते और इस टीम को जहाज़ों तक ना आने देते, कोई जहाज़ ना हिलाने देते। तो इस तरीके से जब भी कोई वाकया हो जाए, तो रात का वक्त है, जब वो आपने दहशतगर्दों वाली जगह पे जाना है तो सोच समझ के जाना पड़ता है। आप देख लें अपने नस्बत इंडिया का, तो इंडिया ने जो बम्बई में जब वाकया हुआ तो 3 दिन लगाए, 3 दिन के बाद उन्होंने आपको एक होटल क्लियर करके दिया। आपकी SSG ने, और बल्कि नेवी की अपनी SSG ने, बाहर से उन्होंने नहीं अभी तक मंगवाई, आर्मी की और एयरफोर्स के लोग उन्होंने नहीं इस्तेमाल किए, मेरी जान तक मालूम आता है, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपनी कमांडो से इसको क्लियर करवाया। अब ये है कि जब भी कोई बात हो जाती है, रात का वक्त है, जब फौज दोबारा तैयार होती है, तो उसने अपनी हिफाजत करके उस रास्ते में जाना होता है। सबसे पहले जब कमांडो आए, उन्होंने आके अपने लिए एक रास्ता, महफूज रास्ता अंदर निकालना था, जिसके लिहाज से वो अंदर जाते। आपने देखा कि पहले उन्होंने फौजी गाड़ियां नहीं जाने दी, पहले उन्होंने देखा कि इस ऐसे इलाके में जहां पर फायरिंग नहीं आ रही है, सेफ जगह है, उस रास्ते को बनाया, फिर उस रास्ते से अपने लोगों को अंदर गुजारा। फिर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे जहाँ पे जाने हैं, जहाँ पे लोग पड़े हुए हैं, वो महफूज हो जाए। फिर जहाँ पे हमारे जो रहने वाले लोग थे, जैसे ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ रहश थी, उन लोगों को क्लियर किया। और जब अपने घरों को क्लियर कर रहे होते हैं तो इतने आसानी से नहीं होता है कि हमने निकल जाना है, कैसे दौड़ के क्लियर हो गया। एक एक चीज़ देखनी थी, कहीं जो है दहशतगर्द छुपे हुए ना, इसके लिए टाइम लगता है। फिर जो जो जगह क्लियर करते हैं, उस जगह रेंजर या फौज को वहाँ पर मुहैया करना होता है कि यहाँ पर आप खड़े रहे, इसके बाद कोई आए नहीं। तो इस लिहाज से वो तरतीब से जब चले, इतना बड़ा इलाका है, और फिर जब आपका पूरा इलाका ने क्लियर कर लिया, तो फिर फौरन ये क्लियर नहीं कह सकते थे, क्योंकि आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पे कितनी झाड़ियाँ हैं। अगर किसी झाड़ी में दहशतगर्द छुपा हुआ होता और ये 4 बजे बता देते कि हमारा जो है वो फेस क्लियर हो गया और ये जो है ऑपरेशन हमने कंट्रोल कर लिया है और कोई दहशतगर्द नहीं है, और 5 बजे कोई अगर झाड़ी से निकल आता, तो फिर तो झाड़ियों वाले इलाके के लिए रोशनी, सूरज की ज़रूरत थी। सूरज की रोशनी में जब क्लियर हुआ कि कोई बंदा नहीं है, जब जैसा कि आपने देखा कि सूरज की रोशनी में एक झाड़ी से बंदा जिंदा निकला, जो रहमान मलक साहब ने बताया कि उसको पुलिस वाले ने गोली मार के मारा। तो अगर ये पहले, जैसे कि ये तो क्लियर बहुत जल्दी उन्होंने कंट्रोल किया है, मैं इनको शाबाश देता हूँ।
और इसके ऊपर कोई आदमी सियासत न करे, मेहरबानी करके हम लोगों ने यहाँ जाने दिए। आप मुझे ये बताएं कि जो वहाँ पे लोग शहीद हुए हैं, जिनके बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, जिनके बच्चे ऑपरेशन कर रहे थे, अगर वो आपसे ये बातें सुने तो उनको थोड़ा महसूस होगा। सियासतें करने के लिए बहुत और सी चीज़ें हैं, खुदारा फौज, ISI और जो है वो एटमी एहसासों के ऊपर सियासत न की जाए। मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये आपको 4 बजे कह देते क्लियर है और ये 6 बजे या 7 बजे झाड़ी में छुपा हुआ दहशतगर्द था, वो एक फायर भी कर देता तो कितना नुकसान होता। तो इन्होंने बहुत समझदारी की है, बहुत अच्छे तरीके से, और अब जो है रहमान मलक साहब ने भी एजेंसियों के साथ तआवुन किया है। अब अगर इन्होंने कुछ गिरफ्तार किए हैं तो हो सकता है उस गिरफ्तार की मदद से ये बाकी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं आज देर तक मिल रही हों। अगर आपको फौरन ही बता दिया जाता कि एक बंदा हमने वहाँ से गिरफ्तार किया है तो आवाम को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका फ़ायदा दहशतगर्दों का है जो उसके रास्ता देख रहे थे, जो उसके लिए बैठे हुए थे कि हमारी इस जगह पर पहुँचेगा। जितने जितने अड्डे हैं, जब तक दुश्मन को ये नहीं पता है इसके सारे दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए, तो वो अपने सारे घर उसके लिए खुले रखते हैं कि ये भाग के यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और ये मदद हमारी एजेंसियों को मिलती है उनको पकड़ने के लिए। अगर फौरन आपको बता दिया जाए कि जी कोई भी नहीं पकड़ा गया, जी इतने बंदे पकड़ लिए हैं, फलाना फलाना पकड़ लिया, तो वो उसके जानने वाले सारे बंदे वो अपने दरवाजे बंद कर देते हैं और इस तरह आप असली दुश्मनों तक नहीं पहुँच सकते। ये तो किराए के कातल हैं 4 या 5 जो थे, असल तो दुश्मन पीछे है जिसने इनको भेजा है। अब मैं अपने नजरिए से आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ कह रहे हैं कि 2 कातल जो हैं 2 दहशतगर्द चेचन थे। अब 2 दिन पहले आप लोगों ने मीडिया पे इतना बड़ा शोर उठाया कि जी 5 चेचन इनोसेंट, 2 औरतें शामिल, फौज ने कत्ल कर दिए। हो सकता है ये 2 चेचन उनके रिश्तेदार हो और ये इनको फायदा मिला हो दुश्मनों को कि आप लोग जाओ फौज को मारो। बाय तो दुश्मन के लिए कोई ये नहीं है कि रेंजर कौन है, फौज कौन है, एयरफोर्स कौन है, नेवी कौन है, सब फौज है, पुलिस तक फौज है इस वक्त। जो अब दहशतगर्दी के साथ जो मुजाहिद जहाद कर रहा है वो सारी फौज है और ये दहशतगर्द सबके दुश्मन है। आप एक जगह आप बताएंगे कि यहाँ पे इनके साथ दहशतगर्दों के साथ मेहरबानी कर दी, यहाँ जुल्म हो गया, तो वो तो और पहले इसी जज्बे में है कि हम जहाद कर रहे हैं और ये लोग जो है पाकिस्तानी फौज हमारे साथ ज्यादती कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी चेचन जो मारे गए हैं वो ठीक हुआ है। देखिए मैं ये इसके लिए इस हक में नहीं हूँ, इस हक में भी नहीं हूँ कि आप इतना उसको उछालें, इतना उछालें। मैं उस दिन मीडिया में देखता रहा, हर वक्त मीडिया पे वो चेचन आ रहे थे, लेकिन आज जब एक फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरा जिसमें एक जर्नैल और एक उसका बेटा, चार हमारे पाकिस्तानी अफसर, सीनियर अफसर शहीद हुए, तो मीडिया उनको बराह रास्त नहीं दिखा रहा था। तो चूंकि वहाँ चेचन की तरफ से पैसा आ रहा था, कौन दे रहा है, क्यों इस तरह से हम इस करते हैं कि जिस पे फौज की जहाँ पे मनफी फौज की तरफ बात जाती है वो करें। ये फायदा सिर्फ दुश्मन को होता है। एक आज अगर ISI के चीफ रिजाइन दे दे तो क्या आपकी हुकूमत पाकिस्तान के मफाद में ऐसा जर्नैल लाएगी जो कि अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बताए कि जी ISI ये नहीं करेगी? या आप अपना सफीर तो अमेरिका से बदली करा के देखें, क्या जो अंदर जो ISI के चीफ आएगा वो कहेगा कि सफीर ने गलत जो हैं वो वीज़े दिए? ये आवाज़ कौन दे रहा है कि ISI चीफ रिजाइन दे? ये वो दे रहे हैं जिनको अमेरिका पैसा दे रहा है, ये वो दे रहे हैं जो अमेरिका की जबान बोल रहे हैं। असल में अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है, अमेरिका हमारी इमदाद करता है, लेकिन कुछ लोग हैं ये यहूदियों का एक मिशन है कि हमारी आवाम अमेरिका के मुखालिफ रहे ताकि अमेरिका मजबूर ना हो जाए कि इसराइल को और पाकिस्तान को एक आंख से देखे। इसराइली इसलिए ज्यादा फायदा उठा रहे हैं अमेरिका से और हम इसलिए उसके इतादी होकर नुकसान करा रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप एक ये कौमी असम्बली का मेंबर नहीं है, बदली होकर तो दूसरा आ जाएगा। जर्नैल बहुत मुश्किल से बनता है, पहले एक लेफ्टिनेंट बनता है। आपको पता है कि सेकेंड लेफ्टिनेंट जब आप बनाते हैं, जब पास होकर आता है तो 2 करोड़ रुपया उस पर खर्च होता है। अब जब आपका जर्नैल बनता है तो पता नहीं कितने करोड़ों उस पर लागत हुई होती है। तो एक जर्नैल को फौरन खोटे लाइन लगा देना, ये दुश्मन को फायदा है, आपको नहीं फायदा है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, दोबारा मैं एक शहीद का वालिद हूँ, मेरे बेटे ने 22 गोलियां खाई तो शहीद हुआ और मैंने उसी दिन दूसरा बेटा फौज को दिया। और मैं आज सबसे मैं सब सियासतदानों की इज्जत करता हूँ, सारी पार्टियां पाकिस्तान की वफादार पार्टी हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। इसलिए फौज के ऊपर सियासत मत करें, मेहरबानी करें, फौज को माफ करें। हम आप में से हैं और हमने भी कल आपको वोट देने हैं, आपने कल हमारे पास भी आना है, फौजियों के रिश्तेदारों के पास ही आना है।
तो मेहरबानी करें, इनके ऊपर सियासत न करें, फौज की इज्जत करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरा मरना जूना फौज के साथ है, मेरे अगर 10 बेटे भी होते तो वो फौज में जाते। अस्सलाम वालेकुम।